कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी पहली सूप मेकिंग वीडियो देखी होगी और अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कोल्ड प्रोसेस साबुन बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं आपको दूसरी टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे आपको कोल्ड प्रोसेस की तरह 4 से 5 हफ्तों के लिए क्यूर नहीं करना पड़ेगा और आपका साबुन 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। लास्ट में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मिलता रहे। मेल्ट एंड पोर साबुन बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका बेस आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपको लाई को हैंडल भी नहीं करना होता। कई तरह के कलर्स और फ्रेग्रेंस इसके लिए उपलब्ध है, जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्योरिंग टाइम नहीं होता। इसमें आप आसानी से डिजाइनर सोप्स बना सकते हैं और ये अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए भी आप आसानी से बना सकते हैं। एमएनपी सोप प्रोसेस मतलब कि मेल्ट एंड पोर प्रोसेस में हमें पहले से ही एक सोप बेस बना हुआ होता है, जिसे हमें मेल्ट करना होता है और उसमें हम अलग अलग तरह के एसेंशियल ऑयल्स, हर्बल और ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स, फ्रेग्रेंसेस, कलर्स डाल के बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस की एमएनपी सोप बनाते समय। सबसे पहला, मेल्ट करने के बाद सोप बेस गर्म हो जाता है तो सावधानी बरतें। दूसरा, ओवरहीट ना करें, इसको इंटरवल्स में हीट करें ताकि वो जल ना जाए। तीसरा, कुछ साबुन दिखने में एंड खुशबू से किसी स्वादिष्ट भोजन से कम नहीं होते, तो इन्हें प्रॉपरली लेबल करके रखें और ध्यान रहे कि कोई इसे बर्फी समझ के ना खा जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं सोप बनाना। सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये हैं हमारे सोप बेस। सोप बेस दो मेजर तरह के होते हैं। ये है ट्रांसपेरेंट सोप बेस, ये है ओपेक सोप बेस। ये दोनों सोप बेस आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। दूसरा, आपको माइक्रोवेव चाहिए, जिसमें आप सोप बेस मेल्ट करेंगे। आपके पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप चूल्हे पे डबल बॉयलर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको डबल जैकेट स्टेनलेस स्टील टैंक विद टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए। तीसरा, आपके जार्स और कंटेनर। चौथा, स्पून्स हो गए। फिफ्थ, आपके पास ग्लास रॉड, स्टेरर, जिससे आप सोप बेस को मिक्स करेंगे। उसके बाद आपको मोल्ड्स चाहिए, सिलिकॉन मोल्ड्स। मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, ये स्माइली है, ये टेडी बियर का है, अलग अलग डिजाइन की ये किट्टी का है, अलग अलग तरह के कलर्स, एसेंशियल ऑयल्स, कोई भी आपके पास हर्बल एक्सट्रैक्ट हो, ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रबिंग एल्कोहल, नहीं तो इसको IPA भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और रोज वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम सोप बनाने का तरीका देखते हैं। आप 100 ग्राम सोप बेस एक कंटेनर में लीजिए। इसके बाद आप थोड़ा सा गुलाब जल डालिए, मैंने इसमें 1% यानी कि 1 ग्राम डाला है। इसके बाद इसको हम माइक्रो करेंगे 30 से 1 मिनट के लिए। ये देखिए, इसको हम पहले स्टियर करेंगे थोड़ा, उसके बाद हम इसको दोबारा से मेल्ट करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। ठीक है, इसे स्टर करना है। थर्टी सेकेंड्स के लिए दोबारा हम माइक्रोवेव करेंगे। ये देखिए, ये पूरा मेल्ट हो चुका है और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया है। इस हम इस स्टेज पे कोई भी कलर डाल सकते हैं, फ्रेग्रेंसेस डाल सकते हैं, एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, या कोई भी हम इसमें एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं। स्टेज में हम इसमें पहले नॉर्मल आपको सिखाऊंगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे, इसको दोबारा मोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हम IPA स्प्रे करेंगे। IPA से देख रहे हैं, जो आप ये बबल्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए, रिमूव हो गए इसके बबल्स। इसको अब हम 5 से 10 मिनट बाद
जब सोप हार्ड हो जाएगा इसके बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे और इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एडवांस वर्जन का सोप बनाना सिखाता हूं जो कि है मिल्क हनी ओट्स और सैफ्रन सोप। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। इसके लिए हम ओपेक सोप बेस लेंगे। ओपेक सोप बेस आप 100 ग्राम ले लीजिए। ये 100 ग्राम ओपेक सोप बेस लिया है। इसमें मैं गुलाब जल डालूंगा थोड़ा सा और इसको मैं मेल्ट करूंगा 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए जब ये पूरा मेल्ट हो जाए। बीच बीच में ध्यान रखिए कि इसको इंटरवल्स में मिक्स करते रहिए ताकि ये ओवरहीट ना हो। हमारा सोप बेस मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें मिल्क डालूंगा। मिल्क में मैंने सैफ्रन पहले से डाल के रखा है। मिल्क आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और सैफ्रन स्किन को ग्लो देता है। ये ओट्स है, मैंने ओट्स को पीस के रख लिया है। ओट्स स्क्रब की तरह काम करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। इसके बाद हनी, हनी एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये सोप नेचुरल एक्सफोलिएटर है, मतलब कि आपकी डेड स्किन ये आसानी से रिमूव कर देता है और ये एक्ने, एक्जीमा और ड्राई इच स्किन के लिए बहुत ही कारगर सोप है। अब हम इसको मोल्ड्स में डालेंगे। मोल्ड्स में डालने के बाद जो बबल्स आ रहे हैं इसको हटाने के लिए हम आईपीए स्प्रे करेंगे। इससे आपके बबल्स हट जाते हैं। इसको आप 10 मिनट बाद अनमोल्ड करिए और आपके सोप रेडी हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए, यूज करने के लिए। चलिए अब हम सोप्स को देखते हैं अनमोल्ड करके। ये हमने सबसे पहले ट्रांसपेरेंट सोप बनाया था। ये देखिए ये सोप कितना ट्रांसपेरेंट है। ये हमारा मिल्क हनी सोप ओट्स और सैफ्रन के साथ सोप है। जो ये देखिए ये हमने एक बच्चा बनाया था। वाओ, ये हमारा टेडी बियर, ये हमारी स्माइली, ये देखिए ये हमारे सारे सोप्स हैं, डिजाइनर सोप्स। ये एक्वा सोप है, ये रोज सोप है, ये कैलामाइन सोप है। मैं आगे की सीरीज में आपको अलग अलग तरह की पैकेजिंग सिखाऊंगा कि पैकेजिंग कैसे करना है सोप्स को, मार्केटिंग कैसे करना है वो सिखाया जाएगा आपको। आपको हर्बल और ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट कैसे यूज़ करने हैं, कैसे उसमें अलग अलग एडिटिव्स डालने हैं सोप में, वो सिखाया जाएगा आपको आगे की सीरीज में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। ये कुछ डिजाइनर सोप्स हैं जो मैंने पहले से बनाकर रख रखे हैं, जैसे कि ये है चारकोल सोप, ये है लूपा सोप, ये है कैलामाइन सोप, ये है डिजाइनर सोप्स। आप MNP सोप्स घर में बनाइए एंड ऑनलाइन सेल करिए। इसको आप सैलून ब्यूटी पार्लर में जाके प्रमोट करिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड के जरिए सेल कर सकते हैं, क्लिक फनल्स बना के स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करके बेच सकते हैं। यह एक बहुत ही हाई मार्जिन वाला बिजनेस है एंड हैंडमेड चीजों की वैल्यू भी कुछ ज्यादा ही होती है। आपका काम अगर अच्छा चलता है तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस और इटली, वहाँ पे आप हैंडमेड साबुन आसानी से बहुत ही हाई रेट पे बेच सकते हैं। वहाँ पे हैंडमेड सोप्स आसानी से 10 यूरो का सेल हो जाता है, मतलब कि 1000 रुपए सिर्फ 100 ग्राम का सोप आप आसानी से फ्रांस में बेच सकते हैं। थैंक यू मुझे इतना समय देने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आइए अपने अंदर के हुनर को जगाइए, हमसे हाथ मिलाइए। बाय बाय।